नमस्कार। ये रिश्ता क्या कहलाता है कुछ ज्यादा ही इस वक्त कंट्रोवर्शियल बन चुका है। ये सीजन 3 है और इस सीजन के मेन लीड्स को रातों रात रिप्लेस कर दिया जाता है। राजन शाही जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो कि इस सीरियल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने शहजादा धामी और साथ ही साथ रूही का किरदार निभाने वाली प्रतीक्षा को रातों रात बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शहजादा के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, इनसाइड अपडेट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मेरा दूसरा चैनल राहुल बोच कॉमेडी है, कमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दे, उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं कि शहजादा धामी के लिए आखिरकार उनके फैंस के लिए क्या बड़ी गुड न्यूज है। ये बात तो मैंने आपको बताई थी कि शहजादा और प्रतीक्षा दोनों को ही बिग बॉस के OTT सीजन के लिए अप्रोच किया गया है, जहां पर OTT की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है, जिसके चलते कास्टिंग अपडेट्स चल रही हैं, जिसके चलते यहां पे एक तरफ शहजादा धामी और प्रतीक्षा का नाम सामने आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहजादा को एक और बड़ा सीरियल ऑफर कर दिया गया है और वो भी कलर्स की तरफ से है। हाँ जी दोस्तों, कुछ इनसाइड मीडिया रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई है, जिसके चलते शहजादा को कलर्स ने बुलाया अपने ऑफिस, जहां पे उन्होंने प्रॉपर मीटिंग के साथ उनको एक बहुत बड़ा शो एज अ मेन लीड ऑफर कर दिया गया है। डिटेल्स अभी तक आउट नहीं हुई है, इनसाइड डिटेल्स हैं, बातचीत चल रही है, एंड आई एम श्योर 101% की शहजादा भी इतनी जल्दी नहीं करेंगे जब तक कि इसके प्रोमोज और इसकी शूट सामने ना आ जाए। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो कलर्स के साथ शहजादा ऑलरेडी काम कर चुके हैं छोटी सरदारनी में, जहां पे उनकी कोई भी इसी तरीके की कोई भी टेंट्रम्स या बातें नहीं सामने आई थी। लेकिन अचानक से ये रिश्ता क्या कहलाता है में उनके इस तरीके की खबरें आना, ये कुछ तो दोस्तों अलग ही माजरा लग रहा है, जहां पे क्या प्रोडक्शन वाकई में खुश नहीं था इसलिए उन्होंने इस तरीके के आरोप लगा के उनको आउट किया, या फिर कुछ और। ये तो शहजादा और जो उनकी जो प्रोडक्शन टीम है वही बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या है कहना? शहजादा की गुड न्यूज है, जल्द ही प्रतीक्षा की भी गुड न्यूज आएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाएं, जरूर बताएं इस बारे में, और बने रहें चैनल के साथ। देखते रहें आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है टेली खजाना। मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय।